नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में जहर खाने के लिए गया था और ये देखने गया था कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता है। जब वो सत्ता में थे तब उन्हें जातीय जनगणना की याद नहीं आई और अब ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अब वो निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। तो आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। सपा में जानबूझकर जहर खाने गया था, ओपी राजभर ने आगे कहा। अखिलेश को अपनी सरकार में नहीं याद थी जातीय जनगणना। सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को अपनी सरकार में जातीय जनगणना याद नहीं, जनता ने उन्हें सदन में भेजा है लेकिन वहाँ कार्टून की बात कर। साथ ही उन्होंने सपा से गठबंधन पर भी बयान दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोमवार को मडियाहू तहसील के सीताम से आरा पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने सपा और अखिलेश को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद अखिलेश यादव लगातार अपरिपक्व बयान दे रहे हैं। जनता ने उनको चुनकर भेजा है कि सदन में जाकर उनके मुद्दे उठाएं, लेकिन अखिलेश यादव क्रिकेट, वॉलीबॉल और कार्टून की बात करते हैं। जब सत्ता में थे तो उनकी जातीय जनगणना याद नहीं रही, अब उसकी याद आ रही है। सपा से गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर बोले कि वो जान बूझ कर जहर खाने गए थे, पता लगाना था कि भीतर क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि निकाय चुनाव के लिए बूथ स्तर पर जाकर संगठन बनाए। अब अधिसूचना जारी हो गई है, 10 दिन में चुनाव होने हैं। अब संगठन कहाँ बनाएंगे, सड़क पर या टेलीविजन पर? आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमानों की संख्या 38% थी। कांग्रेस की सरकार आई, सपा की और बसपा की भी आई। अब हालात ये है कि नौकरी में मुसलमानों की संख्या बहुत कम रह गई है। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों से वोट लिया, उसका भला नहीं किया। जब ये मुसलमानों के नहीं हुए तो किसी और जाति के क्या होंगे? जिसकी सरकार वो कर रहा है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब भी उसका दुरुपयोग होता था। अब जिसकी सत्ता है अब वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। ये संस्थाएं उनकी जेब में रहती हैं, सुबसपा सोते जागते चुनाव की तैयारी में रहती है। जिस तरह से अमीरों, बड़े व्यापारियों के कर्जे माफ किए गए, उसी तरह से गरीबों के बिजली बिल, किसानों के ऋण और दूसरे लोन भी माफ किए जाने चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लागू करवाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता को वोट का अधिकार दिया है। वोट की बदौलत ही जनता सरकार से अपनी बात मनवा सकती है।